राधे राधे हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को इंदिरा एकादशी की अनंत अनंत और अनंत शुभकामनाएं। पूरे साल भर में 24 एकादशी होती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 26 एकादशी आती है। जैसे कि इस वर्ष अधिक मास है तो इस वर्ष 26 एकादशी आएगी। एकादशी व्रतों का राजा बोली जाती है और एकादशी का व्रत रखने से हमें जितने भी हम व्रत रखते हैं सबका पुण्य मिल जाता है। अगर आप कोई भी व्रत रखने में असमर्थ है तो केवल एकादशी का व्रत रख के आप सभी एकादशी का जो पुण्य होता है वो अर्जित कर सकते हैं। एकादशी को व्रतों का राजा बोला जाता है। और आज हम बात करेंगे इंदिरा एकादशी के बाद में। पितृपक्ष में ये एकादशी आती है और संपूर्णतः पितरों को समर्पित बोली जाती है। कहते हैं अगर पितृ हमारे दुखी है तो हमारे नवग्रहों में से चाहे हमारे नवग्रह कितने भी अच्छे हों लेकिन वो ग्रह आपको सुफल नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पितृ दुखी हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से ना केवल हमारा पितृ दोष कम होता है अपितु हमारे पितृ भी तर्पित होके जाते हैं और हमारे पितृ भी खुश होकर जाते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से हमारे पितृ अगर नर्क यातना भोग रहे होंगे तो इंदिरा एकादशी का व्रत रखकर हम उनको इंदिरा एकादशी का जो फल होता है वो समर्पित कर देंगे तो हमारे जो पितृ होते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेने की और बार बार मरने की जो प्रतिक्रिया है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। इंदिरा एकादशी कब है? इंदिरा एकादशी देखिए, एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 12:30 बजे के आसपास हो रहा है 9 तारीख को। लेकिन उदय तिथि के अनुसार, क्योंकि विष्णु भगवान से संबंधित जितने भी त्योहार होते हैं वो उदय तिथि के अनुसार ही बनाए जाते हैं, तो उदय तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी का जो व्रत होगा वो 10 तारीख का रखा जाएगा। 9 तारीख को 12:30 बजे एकादशी प्रारंभ हो रही है लेकिन व्रत 10 तारीख को रखा जाएगा। 9 तारीख को अगर हम व्रत रखते हैं तो वो दसवीं युक्त एकादशी है। दसवीं युक्त एकादशी का व्रत रखने से हमारे सारे पुण्य जो होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं और राक्षसों को बल प्राप्त होता है दसवीं युक्त एकादशी का व्रत रखने से। दसवीं युक्त एकादशी जो होती है वो दोष युक्त एकादशी मानी जाती है। इसलिए हमेशा जब सूर्य उदय के साथ किसी भी दिन का उदय होता है, सूर्य उदय के साथ जब एकादशी का उदय हो रहा है तब हम एकादशी का व्रत रखेंगे तो ये एकादशी एकदम सफल मानी जाएगी। इंदिरा एकादशी है तो ऑब्वियसली बात है, मैं हमेशा कहती हूँ कि एकादशी का जो व्रत होता है वो एक दिन का नहीं, दो दिन का नहीं, त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। दसवीं तिथि से ही आपको संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दसवीं तिथि को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, एकादशी को तो करना ही है, द्वादशी तिथि पे भी ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। दसवीं तिथि को पृथ्वी शयन करना है, एकादशी पे तो करना ही होता है, द्वादशी पे भी पृथ्वी शयन करना होता है। दसवीं तिथि पे मांस मदरा लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना, एकादशी पे तो करना नहीं होता, द्वादशी पे भी मांस मदरा लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना होता। दसवीं तिथि पे एक बार भोजन किया जाता है, एकादशी पे भोजन नहीं किया जाता और द्वादशी तिथि पर भी एक समय भोजन करने का प्रावधान होता है। हाँ, जो सुबह आपने प्रसाद खाया है वो भोजन में काउंट नहीं होता है, शाम को एक समय भोजन करने का प्रावधान होता है। दसवीं तिथि के नियमों का पालन करना होता है और दसवीं तिथि को सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करना होता है। इस बात का ध्यान रखना है कि दसवीं तिथि को आपको मांस मदरा लहसुन प्याज मसूर की दाल बैगन और सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करना। दसवीं तिथि की रात्रि को चावल का भी उपयोग निषेध माना जाता है। एकादशी इंदिरा एकादशी है, पितरों को समर्पित एकादशी है, तो इस एकादशी पे आपको करना क्या है? इस एकादशी पे आपको पानी में काले तिल डालकर खुद स्नान करना है। मैं हमेशा कहती हूँ गंगा जल डालो, यमुना जल डालो, किसी भी नदी का जल डालो, लेकिन इस बार क्योंकि पितरों को समर्पित एकादशी है तो आपको पानी में काले तिल डालकर स्नान करना होता है। और पितरों को काले तिल जो होते हैं वो समर्पित होते हैं, काले तिल डाल के स्नान कीजिए और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सोच आदि से निर्वत होके, सोच आदि से मेरा मतलब होता है कि उस दिन आपको मोशन जरूर जाना चाहिए, उस दिन आपको पोटी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि आंतरिक शुद्धि भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पहले का मल बचा पड़ा है और आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं, गैस बनेगी, गैस माइंड में चढ़ेगी। और फिर बहुत सारे लोगों का ये होता है जिस दिन व्रत रखते हैं जीभ पर सफेद सफेद सी परत जम जाती है, बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, गैस बनती है, इसलिए आपको मल त्यागना बहुत जरूरी होता है। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी कि मल अगर नहीं आ रहा आपको, पोटी नहीं आती, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पेस्ट नहीं करना होता, हाँ नेचुरल पेस्ट से पेस्ट कर सकते हैं, जैसे दातुन हो गया उससे कर सकते हैं, या फिर अपने जो ये उंगली होती है ना इसको अंजलि बोलते हैं, अंजलि में
पानी भर के आपको मुख की शुद्धि करनी होती है, वो मुख की शुद्धि 12 बार होती है, ठीक है। अपनी नाभि को जरूर साफ करना होता है, इस बात का ध्यान रखना होता है, ठीक है। उसके बाद नहाने के बाद आपको स्वच्छ कपड़े पहने, स्वच्छ कपड़े से मेरा मतलब होता है कि धुले हुए कपड़े पहने, नए कपड़े से मेरा मतलब नहीं है, धुले हुए कपड़े पहने, और पीले कपड़ों को प्रधानता दी जाए तो बहुत अच्छी है। नहीं है तो पीले कपड़े तो आप लाल और सफेद रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं, लेकिन एकादशी भगवान विष्णु से रिलेट करती है और भगवान विष्णु का जो पसंदीदा रंग है वो पीला रंग है, तो पीले कपड़े पहनिए। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए और यूट्यूब पर गाने चला दीजिए या फिर मंत्र चला दीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करके, या तो आपके पास आपके गुरु द्वारा दिया गया मंत्र है वो सर्वोत्तम है, अगर गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र नहीं है या फिर आप भूल गए हो या फिर अभी तक आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो सबसे सर्वोत्तम मंत्र है ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि इस मंत्र के प्रताप से ध्रुव ने भगवान की प्राप्ति करी थी, इस मंत्र के प्रताप से प्रहलाद ने भगवान की प्राप्ति करी थी, इस मंत्र के प्रताप से कयाधु को प्रहलाद की प्राप्ति हुई थी, इस मंत्र के प्रताप से ही नारद मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र बन के प्रकट हुए थे जबकि वो दासी पुत्र थे। तो ये मंत्र जो है वो बहुत पावरफुल मंत्र है, ठीक है। उसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दिया, अपने लड्डू गोपाल को उठाया, लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए। देखिए पंचामृत का पान एकादशी पे कर सकते हैं अगर निर्जला एकादशी नहीं रखी, अगर निर्जला एकादशी का व्रत रखा है तो पंचामृत का पान नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रखा तो आप पंचामृत का पान एकादशी वाले दिन आप लोग कर सकते हैं। पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराइए, उनको पीले वस्त्र पहनाइए अगर उनके पास पीले वस्त्र है। उसके बाद संकल्प लीजिए, व्रत का संकल्प ले लीजिए, जैसे जो भी व्रत आपने रखा है उस व्रत का आपको संकल्प लेना, जैसे कि निर्जला है, निराहार है, खाना खाकर है। क्यों खाना खाकर, मैं इसलिए कह रही, कोई कोई डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो एक समय भोजन करते हैं, ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे बताते हैं, ठीक है ना। और वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ भगवान प्रेम से रीजे, परिश्रम से नहीं, ठीक है ना। फलाहार खाके जो इस भी प्रकार से आपने व्रत रखा है, लेकिन इंदिरा एकादशी है तो इसमें आप जब संकल्प ले रहे हो तो आपने लास्ट में एक लाइन ये बोलनी है कि ये व्रत मैं अपने पितरों के नाम को समर्पित कर रही हूँ, ये व्रत मैं अपने पितरों को समर्पित कर रही हूँ, तो ये व्रत के प्रताप से आपके पितर जो भी नर्कगामी हैं उनको मुक्ति मिल जाती है। फिर आपको संकल्प लेने के बाद एकादशी व्रत की कथा पढ़नी है, इंद्र एकादशी के व्रत की कथा पढ़िए, तिल के तेल की जोत अवश्य जलाइए, और जोत जलाते वक्त मैं हमेशा कहती हूँ हल्दी डालिए क्योंकि एकादशी, लेकिन इसमें हल्दी नहीं डालनी है। मैं आपको ये जरूर बोलना होता है कि ये व्रत मैं अपने पितरों के नाम समर्पित कर रही हूँ। उसके बाद आपको एकादशी के व्रत की, इंद्र एकादशी के व्रत की जो कथा होती है वो कथा पढ़नी होती है। पूरे दिन किसी की निंदा नहीं करनी होती, पूरे दिन किसी की चुगली नहीं करनी होती, तुलसी की जितनी ज्यादा परिक्रमा कर सकते हो तुलसी की परिक्रमा कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हो तुलसी की परिक्रमा कीजिए, तुलसी पर जल डाल सकते हैं। ये केवल एक मिथ है कि एकादशी वाले दिन तुलसी पर जल नहीं डाला जाता, केवल एक भ्रम है कि तुलसी माता व्रत रखती है एकादशी पे तुलसी पे जल नहीं डालते, केवल एक भ्रम फैलाया गया है। श्रीधाम वृंदावन में सभी लोग डालते हैं, इस भ्रम में आपको नहीं पड़ना है। तुलसी की जितनी ज्यादा हो सकते हैं उतनी ज्यादा परिक्रमा कीजिए, तुलसी पे दीप दान कीजिए, सुबह सुबह घर के मुख्य द्वार पे हल्का सा पानी भी जरूर छिड़काव कीजिए, क्योंकि जो भी आपके मित्रों का आगमन हो रहा है उनके लिए जल अर्पित आपको अवश्य करना है। सूर्य भगवान को जल इस दिन अवश्य चढ़ाना है और तर्पण अवश्य करना है। सूर्य भगवान से भी मतलब अपने हाथों को अपने सिर से ऊंचा करके तर्पण आपको करना होता है। तर्पण की विधि ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है कि आपको तर्पण कैसे करना है, लेकिन तर्पण करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तर्पण वाले जल में आपको काले तिल डालने हैं, गुड़ डालना है, चावल डालना है, गेंदे का फूल डालना है। इसके बाद आपको उस जल का तर्पण अवश्य कर देना है जो कि पितरों के नाम का होगा। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, पूरे दिन केवल एक मंत्र का जाप करना है, वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। उसके तत्पश्चात क्या करना है, उसके तत्पश्चात आप लोगों को शाम के समय मतलब दिन में सोना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है, दिन में सोना नहीं है, रात को भी पृथ्वी शयन करना है, अखंड ज्योत का ध्यान रखना है। उसके बाद शाम के समय आपको दोबारा से पूजा अर्चना वरना करनी है। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक जलाने हैं, तुलसी पे 1 दीपक जलाना है, घर की छत पर दक्षिण दिशा में चतुर्मुखी दीपक 1 जरूर जलाना है जो कि पितरों के नाम का होगा, उस पे काले तिल आपको अवश्य डालने हैं। शाम के समय भगवान की आरती करनी है और सूर्यास्त से पहले जो भी भोजन प्रसाद आप पाना चाहते हो वो पा सकते हो, जैसे कि आप
सिंगारे के आटे का हलवा खा सकते हो या फिर फलाहार खा सकते हो, आलू वगैरह कुछ खा सकते हो। अगर आप जॉब करते हो तो फिर आप सूर्यास्त के बाद भी खा सकते हो। उसके बाद कोशिश कीजिए कि पूरी रात आप जगो। अगर पूरी रात नहीं जा सकते तो कम से कम 12 बजे तक जगो। 12 बजे तक नहीं जा सकते तो एक पहर अर्थात 10:30 बजे तक तो आपको जगना ही जगना है एनी हाउ। उसके बाद पृथ्वी शयन करना। अगर सोना भी है तो जमीन पर सोना है। अगले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और आपके पितरों को जो भी पसंदीदा चीज है वो एक चीज अवश्य बनानी है, जो भी आपके पितरों की पसंदीदा। जैसे कि मेरे बाबा को मीठा हलवा बहुत ज्यादा पसंद था तो वो मीठा हलवा हम जरूर बनाते हैं, उनकी श्राद्ध वाले दिन भी बनाते हैं और इंद्र एकादशी के बाद भी बनाते हैं। और चावल की खीर बनानी है। ब्राह्मण को दान करना है। जब भी ब्राह्मण को दान कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि आप तो गीली चीज ब्राह्मण को दान कर दो। गीली चीज ब्राह्मण नहीं ले ले तो सूखी चीज भी आप मतलब सूखा अनाज ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। इसमें काले तिल का दान बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। काले तिल का दान कीजिए। अपने कुत्ते को रोटी खिलाइए, गाय को रोटी जरूर खिलाइए, गाय को गुड़ जरूर खिलाइए, गाय को चारा जरूर दीजिए, कौवे को रोटी जरूर दीजिए, चींटियों को रोटी जरूर दीजिए, मछलियों के लिए आटा जरूर डालिए। इससे आपके पितरों की शांति मिलती है। इंद्र एकादशी के व्रत का जो पारायण है वो 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में होगा। तो इंद्र एकादशी का व्रत 10 तारीख को रखा जाएगा, 11 तारीख को पारायण होगा। मैंने पूरे विधि विधान से बता दिया कि व्रत कैसे रखना है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्ण, हरे।